आज हम बनाएंगे मैसूर बोंडे, जो कि साउथ इंडिया की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है। और इसके साथ ही हम एक अच्छी सी चटनी बनाएंगे, जो इसके साथ कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी लगती है। मैसूर बोंडा बनाने के लिए पहले हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने 1/2 कप कर्ड डाला है और इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। उसके बाद इसमें 1 कप मैदा डाला है और साथ में 1/4 कप चावल का आटा लिया है। इससे हमारे बोंडे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, ये ऑप्शनल है। उसके साथ ही हम इसमें जीरा डाल लेते हैं 1/4 टेबल स्पून और साथ में मैंने कटी हुई धनिया डाली है और इसमें मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है। उसके साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाना चाहते तो आप हरी मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ में स्वाद अनुसार नमक डाल लें। उसके बाद इसमें मैंने बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा पिंच थोड़ा सा डाला है और इन सभी को मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी डालते जाना है और इसका एक सेमी थिक बैटर बना लेना है। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये हमारा इस कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर होना चाहिए। ये देखिए हमारा बैटर बनके तैयार है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। इसे मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। अब हम चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाला है। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे और चना और उड़द दाल 1/3 टेबल स्पून मैंने यूज़ किया तड़के के लिए। इसके साथ ही इसमें मैंने 12 से 15 कड़ी पत्ते डाले हैं और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए ये भून चुका है। अब हम इसमें 4 सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं, 4 से 5। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप सूखी मिर्च 1-2 और बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 बड़े साइज़ का प्याज कटा हुआ डाला है और इसे भी हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है हमें। इसे ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेना है। ये देखिए प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 प्याज के लिए हम 2 टमाटर का यूज़ करेंगे, मतलब हमारा जितना प्याज होगा उसकी डबल क्वांटिटी में टमाटर होगा। ये रेशो आप याद रखें। इसके लिए मैंने 2 टमाटर बड़े साइज़ में कट करके और इसे डाल दिया है। साथ में हम इसमें नमक डालेंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी गल जाए और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक करके लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक करना है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे मैश करते हुए हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी इमली डाल देंगे। मैंने यहाँ इमली पल्प का यूज़ किया है, आप चाहे तो इमली को भिगो करके और उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें गैस को बंद कर लेना है और इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेना है ठंडा होने पे। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में और ये हमारी चटनी बहुत अच्छी बनके तैयार हो चुकी है। इसे आपको ऊपर से तड़के देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सारे तड़का इसमें यूज़ किया हुआ है। तो चलिए अब हम मैसूर बोंडा को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने तेल गर्म कर लिया है, मीडियम फ्लेम पे हम मैसूर बोंडा के छोटे छोटे बॉल्स डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको इसे डालना है। एक बार में जितने बॉल्स आपकी कढ़ाई में आ जाए आप उतने डालिए। और इसे लो फ्लेम पे कुक करें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे।
इन्हें हमें अलटते पलटते हुए दोनों साइड से फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। चावल का आटा हम लोगों ने इसीलिए यूज़ किया है कि क्रिस्पी हो। ये देखिए इस कलर में ये थोड़े रेडिश हो गए हैं। अब ये हमारा फ्राई होकर के तैयार हो गया। अब हम इसे साइड निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे बोंडे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे मैसूर बोंडे तैयार हैं। अब हम इसे चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।